Assalamu alaikum dear students, hope you are all fine. In the previous lecture, we discussed the meanings of monopolistic competition. And as such, you know now that monopolistic competition is a market situation which is a combination of monopoly and competition. It has features of competition in as much as several firms produce close substitutes, and at the same time every firm under monopolistic competition has some control over the market. So is tarah se ye, it's somewhere in the middle of the monopolistic competition, sorry, monopoly and परफेक्ट कॉम्पिटिशन. ठीक, तो टुडे लेट्स ट्राई टू डिस्कस द वेरियस फीचर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन विच मेक्स इट ईजियर टू अंडरस्टैंड. राइट, द फर्स्ट फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इज मैनी सेलर्स आर लार्ज, मैनी सेलर्स एंड लार्ज बायर्स. देखिए, जो सेलर्स होती हैं, फर्म्स होती हैं अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, यहाँ भी बहुत सारी होती, लेकिन नॉट एज लार्ज एज परफेक्ट कॉम्पिटिशन. हियर वी हैव मैनी फर्म्स. एक बात, दूसरी बात, द साइज ऑफ ईच फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इज स्मॉल एंड ईच फर्म हैज ए लिमिटेड शेयर ऑफ द मार्केट. तो बायर्स का जहाँ तक ताल्लुक है, बायर्स आर लार्ज इन नंबर, इतने लार्ज हैं कि दे कांट इफेक्ट द मार्केट प्राइस, बट इट्स द मोनोपोलिस्टिक फर्म दैट हैज़ अ लिमिटेड शेयर ऑफ मार्केट, बट इन वन वे आर द अदर कंट्रोल्स इट्स शेयर ऑफ द मार्केट. राइट, एक बात, दूसरी बात, जो प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं फ्रॉम डिफरेंट फर्म्स अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आर डिफरेंशिएटेड, दस द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. दो द नंबर ऑफ फर्म इज लार्ज, बट देयर प्रोडक्ट्स डिफर फ्रॉम वन अनदर. बहुत सारी फर्म्स हैं लेकिन उनके जो प्रोडक्ट्स हैं एक जैसे नहीं होते हैं, बल्कि वो एक दूसरे से डिफर करते हैं. ठीक है ना, किस बुनियाद पर? इन कलर, इन शेप, इन ब्रांड, इन क्वालिटी, इन ड्यूरेबिलिटी, इन पैकिंग्स. और ये प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? दीज आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स. द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट फर्म्स अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स. देखिए, जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास. एज इन केस ऑफ सोप्स, वी हैव सेवरल ब्रांड्स. सोप्स में हमारे साथ बहुत सारी ब्रांड्स है. ये लक्स है, हमाम है, सेंथॉल है, डाओ है. राइट, यू गो ऑन काउंटिंग, देयर आर अ नंबर ऑफ. इस तरह शैम्पू को देख लीजिए आप, बहुत सारे ब्रांड्स हैं. टी देख लीजिए, आपके पास लिप्टन आता है, ब्रूक ब्रांड है, ताजमहल है, फिर ब्रूक ब्रांड की डिफरेंट वेराइटीज़ है. टूथपेस्ट लीजिए, वहाँ भी आपको बहुत सारे ब्रांड्स मिलेंगे. ये क्या है? बेसिक टूथपेस्ट इज सेम, टी इज सेम, सोप इज सेम, बट डिफरेंशिएशन. बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ईच फर्म कैन डिसाइड इट्स प्राइस एंड पॉलिसी इंडिपेंडेंटली. हर फर्म यहाँ अपनी पॉलिसी को वाजिया करती है. कैसे? इंडिपेंडेंटली, सो दैट ईच फर्म हैज़ पार्शल कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स. देखिए, जैसे परफेक्ट कंपटीशन में किसी फर्म का मार्केट पे कोई कंट्रोल नहीं होता, नो कंट्रोल होता. मोनोपोली में फुल कंट्रोल होता. लेकिन जहाँ तक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का ताल्लुक है, हेयर अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द फर्म हैज़ नीदर फुल नॉर नो कंट्रोल, बट इट हैज़ पार्शल कंट्रोल ओवर द मार्केट. इसका होता है पार्शल कंट्रोल. राइट, दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड
एग्जिट, देखिए फर्म्स आर फ्री टू एंटर इनटू आर एग्जिट फ्रॉम द इंडस्ट्री, लेकिन बट न्यू फर्म्स हैव नो एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ एंट्री इनटू द इंडस्ट्री, इतना एब्सोल्यूट फ्रीडम उनके लिए नहीं है, दे मे हैव टू फेस सेवरल डिफिकल्टीज, है ना, जैसे कुछ फर्म्स के प्रोडक्ट्स पेटेंटेड हो सकते हैं, लीगली पेटेंटेड हो सकते हैं, और नई फर्म्स उन चीज़ों को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, नो राइवल फर्म कैन प्रोड्यूस एंड सेल कंपा कोला जैसे, क्योंकि इट्स अ पेटेंट आइटम, नो फर्म कैन प्रोड्यूस लक्स बिकॉज इट इज़ द सोल प्रोप्राइटरशिप ऑफ द हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, हाँ एंटर हो सकते हैं लेकिन दे कैन प्रोड्यूस बट अ डिफरेंट प्रोडक्ट अंडर डिफरेंट नेम एंड ब्रांड। वन मोर फीचर ऑफ दिस मार्केट इज ह्यूज सेलिंग कास्ट, देखिए इस मार्केट में बहुत सारा पैसा हर फर्म ने खर्च करना होता है, किस पे, एडवर्टीजमेंट पे, सेल्समैनशिप पे, इन ऑर्डर टू सेल मोर यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट, इट गिव्स वाइड पब्लिसिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट इन न्यूज़ पेपर, सिनेमाज, टेलीविजन, जर्नल्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो पैसा सेल्स बूस्ट करने के लिए खर्च होता है इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड सेल्समैनशिप, इन कास्ट्स को हम सेलिंग कास्ट, जो एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च होता है, सेल्समैनशिप पे आप देखते हैं कि न्यूज़पेपर देख लीजिए, उसमें 10 पेज का न्यूज़पेपर हो, 1.5 पेज पे खबर होती है, बाकी एड्स होते हैं, टेलीविज़न में आप न्यूज़ देखते हैं 30 मिनट की न्यूज़ हो, उसमें 18 मिनट के एड्स होते हैं, वो किसके होते हैं, डिफरेंट मोनोपोलिस्ट्स के होते हैं, कंपनीज के होते हैं, फर्म्स के होते हैं, टू बूस्ट देयर सेल्स, ठीक, तो इन ऑर्डर टू सेल मोर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट इट गिव्स वाइड पब्लिसिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट, ठीक, और यही पैसा द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी आर कॉल्ड सेलिंग कॉस्ट, इनको हम एडवर्टीजमेंट पे, पब्लिसिटी पे, सेल्समैनशिप पे जो पैसा खर्च होता है इसे हम सेलिंग कॉस्ट। एक और फीचर इस मार्केट का ये है कि देयर इज नो परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट फर्म्स इन द मार्केट, ये लेस मोबिलिटी, एज वॉज द केस विद परफेक्ट कॉम्पिटिशन देयर वॉज फ्री एंट्री एंड एग्जिट, सॉरी देयर वायर नो बेरियर्स, देयर वॉज मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स वॉज देयर, बट लेकिन यहाँ पे लेस मोबिलिटी, और इन फीचर से हमें पता चलता है कि हेयर वी विटनेस लेक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, एक फीचर है इसका कि सेलर्स और बायर्स ऑफ प्रोडक्ट एंड ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डू नॉट हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड फैक्टर सर्विसेज, किसी को पता नहीं होता, क्यों, इट इज़ सो बिकॉज ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इट्स नॉट पॉसिबल टू कंपेयर, हम यहाँ कंपेयर ही नहीं कर सकते, पेप्सी और कोका कोला आपको आप कंपेयर नहीं कर सकते, लक्स और सेंथाल आप कंपेयर नहीं करते, ताजमहल और रेड लेबल को आप कंपेयर नहीं कर सकते, लाइकवाइज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट फुली अवेयर ऑफ द प्राइस इज बींग पेड बाई डिफरेंट फर्म्स फॉर द सर्विस ऑफ द फैक्टर्स, ये किसी को पता नहीं होता, ऑल आर इग्नोरेंट, हर एक को खबर नहीं है, तो पिस्ता कौन है, यहाँ बायर पिस्ता है, ठीक है ना, एंड एबो ऑल हियर वी हैव नॉन प्राइस कंपटीशन, नॉन का प्राइस कंपटीशन, यहाँ प्राइस पे इतना कंपटीशन नहीं होता बल्कि नॉन प्राइस पे होता है, कैसे, देखिए फर्म्स में कंपीट विद वन अनदर विदाउट चेंजिंग द प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, देखिए पेप्सी और कोका कोला का प्राइस सेम है, आप कैसे अपनी सेल्स को बूस्ट कर सकते, फॉर एग्जाम्पल इफ यू बाई अ बकेट ऑफ सर्फ यू मे गेट 1 गिलास टम्बलर फ्री विद इट, या सर्फ पॉकेट के साथ आपको एक बकेट फ्री मिलता है, चाय के एक बॉक्स के साथ आपको कप सेट फ्री मिलता है, चाय के एक डब्बे के साथ आपको कप सेट फ्री मिलता है, ठीक है ना, व्हाट इज इट, यू मे गेट फ्री ऑन स्टेनलेस स्टील स्पून ऑन वेरियस प्रोडक्ट्स, दस फर्म्स कम्पीट इन अट्रैक्टिंग पोटेंशियल बायर्स बाई ऑफरिंग दम गिफ्ट्स एंड अदर सर्विसेज, और हम समझ हमें ये धोखा लगता है कि इसमें इसके साथ ऑफर है, लेट मी टेक द बेनिफिट ऑफ इट, इन शॉर्ट दे कम्पीट ऑन अदर देन प्राइस फ्रंट, द कंज्यूमर्स डेवलप लाइकिंग फॉर ए प्रोडक्ट, दे वुड बाई दैट वेरी प्रोडक्ट इवन इफ इट्स प्राइस इज हायर देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर फर्म्स, क्यों, बिकॉज देयर वी विटनेस वेरियस ऑफर्स, ठीक, लेकिन यहाँ भी बात आपने याद रखनी है, अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म कैन सेल मोर ऑफ द प्रोडक्ट ओनली बाय लवरिंग द प्राइस, जैसे मोनोपोली में था नो डाउट हियर फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस,
लेकिन सेटल ही कुड बाई मोर ऑनली बाई लवरिंग द प्राइस। तो रिलेशनशिप सेम है, तो यहाँ भी डिमांड करो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, डिमांड करो ऑफ ए फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिमांड करो ऑफ ए फर्म अंडर मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन यू गो थ्रू दीज वेरियस फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू इट विद अदर कंसेप्ट। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस।